The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So guys, atopic dermatitis kya hai? Ye ek prakar ka rash hai. क्रोनिक लंबा स्किन की बीमारी है. इसमें स्किन के ऊपर इची स्केली लाल लाल कलर के रैशेज आ सकते हैं. इसको एक्जिमा भी बोलते हैं बहुत कॉमनली. और ये एक्जिमा एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अलावा एक्जिमा में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी आता है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी आता है, डिसड्रोटिक एक्जिमा भी आता है और निमुलर एक्जिमा भी आता है. तो वो सब छोड़ दो टाइप को. बेसिक चीज समझो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू स्किन रिएक्शन, स्किन का एलर्जिक रिएक्शन, राइट. और ये रिएक्शन इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, लालपना होगा, ठीक है. इचिंग, स्वेलिंग, लालपना. पीपल विद दिस प्रॉब्लम आर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव. बचपन से जेनेटिकली दे आर ओवर सेंसिटिव और उनके स्किन में एक प्रोटीन बैरियर होता है स्किन के नीचे, स्किन के अंदर जो एलर्जिक सब्सटेंसेस को नहीं घुसने देता वो कम होता है. वो बैरियर जो होता है वो वाटर का होता है, वाटर का, राइट. ये प्रोटीन, ये स्किन लैक्स सर्टन प्रोटीन्स दैट बेसिकली मेंटेन द स्किन बैरियर टू वाटर. सो इसलिए आपको वाटर को अच्छे से मेंटेन करना होता है. हाइड्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एज अ ट्रीटमेंट, राइट. इट इज़ वेरी कॉमन इन बच्चों में, इन्फेंट्स में बहुत कॉमन है. और ये 2 से 6 महीने के अंदर अंदर शुरू होता है. छोटे छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास लो, ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डॉक्टर अंदर राइट, 2 साल रहेगा, ऐसे ऐसे करने का, ठीक है. दैट इज द आइडिया व्हाट पीपल डॉक्टर विल टेल यू, राइट. 1-2 साल रहेगा, किसी का 10 साल रह सकता है. सो यू हैव टू लिव विद इट, राइट. मैनी पीपल आउट ग्रो इट बाई अर्ली चाइल्डहुड, राइट. कई लोगों में चाइल्डहुड में निकल जाएगा, कई लोगों में थोड़ा लंबा चलेगा. इट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यून सिस्टम, आपकी फीडिंग कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है, आपका ग्रोथ कितना अच्छा है, राइट. ऑल दीज थिंग्स. पीपल विद दिस काइंड ऑफ एटॉपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर उनको एस्थमा या सीजनल एस्थमा भी रह सकता है. यू हैव टू बी कॉशियस, एलर्जिक टेंडेंसी, राइट. और फैमिली हिस्ट्री भी रहती है एलर्जीज की, या एस्थमा की, या हे फीवर की, या एक्जिमा की. कोई ना कोई है फैमिली हिस्ट्री रहती है, मदर फादर के कहीं से भी आ सकती है, राइट. और स्किन एलर्जिक टेस्ट में भी उनको पॉजिटिव आएगा. हाउएवर ये इज़ नॉट बेसिकली एन एलर्जी, ये बेसिकली इज ओवर सेंसिटिविटी. ओवर सेंसिटिव नॉट बिकॉज ऑफ एन एलर्जी, बट इट इज ओवर सेंसिटिविटी, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. काइंड ऑफ नियर बाय, राइट. अब इसको कौन करेगा एलर्जी, कौन करेगा इसको सिम्टम वर्स, राइट. मान लो कोई एलर्जी, एलर्जिक सब्सटेंस आ गया, पोलन ग्रेन, मोल्ड, डस्ट, एनिमल डेंगर, तो भी हो जाएगा. कोल्ड ड्राई एयर होगी विंटर में तो भी होगा. कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया तो भी होगा. सर्दी होगी, खांसी होगी. कोई केमिकल इरिटेंट हो गया, कोई कॉन्टैक्ट हो गया रफ मटेरियल, जैसे कि ऊन से, ऊन का पहनाओगे तो हो जाएगा. ड्राई स्किन से हो जाएगा, इमोशनल स्ट्रेस से हो जाएगा, रोने से हो जाएगा, ड्राइंग आउट ऑफ द स्किन बिकॉज कई बार अगर ज़्यादा बार नहला दिया, ज़्यादा शावर कर दिया, स्विमिंग पूल में चले गए ज़्यादा बार तो भी हो जाएगा. बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से तो भी हो जाएगा. परफ्यूम्स लगा दिए, लोशंस लगा दिए, सोप्स बदल दिए तो भी हो जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द प्रोडक्ट्स यूज्ड इन दीज चिल्ड्रंस, राइट. सिम्टम्स क्या होंगे, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा ब्लिस्टर्स होंगे लाल कलर के, कभी कभी यूज हो सकता है, कभी नहीं, नहीं तो लाल, स्वेलिंग, इचिंग, ये बेसिकली खुजली भी हो सकती है. ड्राई स्किन हो सकता है पूरी बॉडी में, और ड्राई स्किन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. ईयर डिस्चार्ज या ईयर ब्लीडिंग भी हो सकती है स्किन के अंदर. स्किन कलर चेंजेस हो सकते हैं, स्किन रेडनेस, इन्फ्लामेशन, थिकनिंग एरियाज, ये सब रह सकते हैं, राइट. इसमें भी कुछ टाइप्स और लोकेशंस होती हैं जहाँ रैश एज के हिसाब से डिपेंड करेगा. बच्चे 2 साल के नीचे बच्चे हैं उनके फेस, स्काल्प, हैंड, फीट, यहाँ पर रैश ज़्यादा कॉमन होता है. और ओल्डर बच्चों में घुटनों के अंदर, नीज, एल्बोज, उन जगह पे, या फिर नेक, हैंड्स और फीट्स में होता है. और एडल्ट में हैंड्स, आईलिड्स या जेनाइटल्स में हो सकता है, हल्ले, राइट. और रैशेस वैसे तो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. और इंटेंस इचिंग होती है, ये बात याद रखिए. इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ज़्यादा, इच दैट रैशेस, ये वाली चीज़ है. इज ऑफन कॉल्ड इच, इच जिसको रैश बन जाता है, पहले इच आती है फिर रैश, राइट. सो करेंगे क्या, इसमें स्किन जैसी दिखती है उससे समझ में आ जाता है. और याद रखिए कि पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से डायग्नोसिस हो जाता है. स्किन बायोप्सी की ज़रूरत कम बार पड़ती है, ऐसा हर बार नहीं. डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता देगा. और करना क्या है, स्किन टेस्टिंग करी तो वो करेंगे, तो अगर अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है ट्रीट करना, ठीक नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी करेंगे.
और स्किन कल्चर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एट होम ट्रीटमेंट जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें रखनी है, स्क्रैचिंग नहीं करनी है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, टॉपिकल स्टीरॉयड मॉइस्चराइज़र बच्चों में मैंने बताया एटोगला या वट एवर मॉइस्चराइज़र यू वॉन्ट यूज़ एज पर योर डॉक्टर। टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम लगानी है 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम या फ्यूसिबेट क्रीम या इस तरह की क्रीम लगा सकते हैं जो भी डॉक्टर ने आपने दवाई दी है। एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ज़्यादा हो रहा है पूरी बॉडी में तो फिर मुंह से, राइट, फिगर नहीं है इसको छोटा लगना है नहीं तो खुरच खुरच के खुजली करके एकदम घाव कर दोगे, राइट। रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो स्किन को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किन को मॉइस्ट रखना है भाई साहब, पानी बहुत बचाना है, पानी को पोंछना नहीं है, पानी डैब करना है, बूंदाबांदी रहेगी उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दो लॉक हो जाएगा, बच जाओगे, खुजली नहीं होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी की भी ड्राई स्किन है सबसे बड़ा पॉइंट है ये। उसके अलावा काफ़ी सारी केमिकल्स, कोई अल्कोहल वाली चीज़ जिसे सेंट वाली चीज़, डाई वाली चीज़, केमिकल वाली चीज़, ऐसी कोई भी स्प्रे बॉडी वो सब सोच समझ के इस्तेमाल करना और रैश हो रहे हो तो बंद कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे किसी को किसी चीज़ से, किसी को अंडे से, किसी को पीनट से, देख के किसको किससे हो रही है चेक करके ट्रायल बेस पे लेके थोड़े दिन रख के फिर देखना कि नहीं अब नहीं हो रही इसको खा सकते हैं। सो हर चीज़ को क्लियर करते जाना है। इन्फेंट बच्चों को वूल या लेलोनिन जो वूल की चीज़ें वुलन चीज़ों से दूर रखना है। सोप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोप से नहीं, लिक्विड सोप से, जेंटल सोप से नहलाना है। सडन चेंजेस बॉडी के टेम्परेचर से नहीं होने देना है और ट्रिगर्स जो होते हैं एलर्जिक ट्रिगर्स से बचाना है। रिमेंबर व्हेन यू आर वॉशिंग एंड बाथिंग एक्सपोज योर स्किन टू वॉशर एज शॉर्ट इन शॉर्टेस्ट टाइम एज पॉसिबल। ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है चमड़ी को, गर्म गर्म एकदम ज़्यादा गर्म पानी नहीं, एकदम ज़्यादा कोल्ड नहीं करना है, नॉर्मल वाटर रखना है, थोड़ा सा वार्म भी चल सकता है, गर्म गर्म पानी से नहीं नहाना है वरना मॉइस्चर निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जेंटल बॉडी वॉशेज यूज़ करनी है, क्लेंजर जेंटल होना है, रेगुलर स्कोप नहीं यूज़ करना है। डू नॉट स्क्रब योर स्किन, स्क्रब स्क्रूब नहीं करना है, भूल जाओ स्क्रबर, फेंक दो स्क्रबर, राइट। और लुब्रिकेटिंग क्रीम्स या लोशंस या ऑइंटमेंट लगाना है स्किन के ऊपर, नहाने से पहले ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए एटोगला लोशन, बड़ों के लिए कोई भी लोशन, राइट, कोई भी बटर वाला, क्रीम वाला, शिया बटर, कोकोआ बटर, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, दिन में दो बार, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर एलर्जीज़ के लिए कोई दवा, एंटी हिस्टामिन्स हमने बताई, अगर इचिंग एलर्जीज़ पूरी बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो एंटी हिस्टामिन्स आपके डॉक्टर आपको देंगे, चाहे वो प्लेन सिंपल सिट्रिजीन हो, एट्रैक्स हो या जो भी हो, राइट। एटॉपिक डर्मेटाइटिस मेडिसिन से काफ़ी हद तक कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती है, टॉपिकल मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है, राइट। कई बार हमको लेकिन माइल्ड स्टीरॉयड की क्रीम या ऑइंटमेंट देना पड़ता है स्टार्टिंग में, और कई बार इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी देने पड़ते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के टॉपिकल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देने पड़ सकते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको देंगे, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। और क्रीम्स या ऑइंटमेंट जो होते हैं उसमें कोई दैट कंटेन कोल्टार एंड एल्थ्रासिन कैन ऑल्सो बी यूज, और बैरियर रिपेयर क्रीम्स कंटेनिंग सेरामाइड्स टाइप की क्रीम भी यूज़ हो सकती है। और इसके अलावा वेट व्रैप ट्रीटमेंट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉइड होते हैं, वेट व्रैप यानी ठंडा पट्टी कर दी है ना, एकदम मॉइस्ट वाली पट्टी, उसमें स्टीरॉयड भी है, वो बंद करके रख सकते हैं, मान ले कभी हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रैश है तो थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे वेट व्रैप ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट, एंड वेदर इट इज़ यूजफुल टू यू, अप्लीकेबल टू यू और नॉट, राइट। उसके अलावा अदर ट्रीटमेंट, अगर मान लो हमें लगता है कि इन्फेक्शन है, एक्चुअल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक, कोई इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवा चाहिए तो ड्रग्स, कोई टारगेट करना है बायोलॉजिकल एजेंट, फोटोथेरेपी, स्किन ट्रीटमेंट, स्टीरॉयड वीरॉयड, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, सो योर डॉक्टर विल टेल यू कि आपके केस में कितना हैवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या बेसिक से काम हो जाएगा, बेसिक तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, हमने आपको रैश वाले वीडियो में बताया है। सो एटॉपिक डर्मेटाइटिस लंबा चलता है तो याद रखिएगा आपको हर चीज़ खुद सीखनी और समझनी होगी, नहीं समझोगे तो भागते रहोगे हॉस्पिटल और क्या, राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एटॉपिक डर्मेटाइटिस कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर वो जल्दी शुरू होता है या ज़्यादा एरिया में आता है या फैमिली हिस्ट्री है, तो याद रखिए कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन नहीं होने देना, खुजली कर करके स्कार नहीं होने देना, लॉन्ग टर्म मेडिसिन ज़्यादा लंबी लेनी पड़ गई तो भी आपको साइड इफेक्ट्स होगा, इसलिए जो नॉन मेडिकल चीज़ें हैं वो ज़रूर अच्छे से करना पानी और चीज़ों के बारे में। सो इसमें याद रखिए प्रिवेंशन नाम की कोई चीज़ खास नहीं है, जिनको ब्रेस्ट फीड किया जाता है ना छोटे बच्चों को जो 4 महीने तक, उनके चांसेस कम हो जाते हैं, 4 महीने कम से कम, मतलब 6 महीने होना चाहिए लेकिन 4 महीने तो ब्रेस्ट फीड करना ही चाहिए, उनके एटॉपिक डर्मेटाइटिस के चांसेस, अगर आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस, अपने बच्चे को छोड़ना नहीं, 4 महीने जरूर पकड़ पकड़ के उनको अपना दूध पिलाना है, ठीक है।
अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा तो एक फार्मूला लो जिसमें के प्रोसेस्ड काउ मिल्क प्रोटीन हो, जो पार्शियली हाइड्रोलाइज फार्मूला हो, ये भी आपके चांसेस जो है एटॉपिक डर्मेटाइटिस के कम कर सकता है। तो ये हुई सारी बातचीत एटॉपिक डर्मेटाइटिस की फुल एंड फाइनल, दैट इज कॉल्ड एक्जीमा। और आई होप दैट हेल्प्स यू आउट एंड एवरीबडी आउट देयर, डोंट हेजिटेट टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ पीडियाट्रिशियन, योर चाइल्ड इज एंड योर स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी हियर एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड डोंट forget to subscribe, share and comment.